हेलो, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सुबह जल्दी उठ के हो गए रेडी। जल्दी का मतलब 8 बजे हमारे लिए जल्दी होता है। 8 बजे उठ के हम रेडी, मैं और दिव्यराज उठ चुके रेडी, बाकी के सब लोग अभी नहा धो रहे हैं। मैं और वो निकल चुके हैं मंदिर के लिए, मम्मी और हैनी आगे चले गए हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे, और ये यहाँ का सुबह का व्यू। हम आज कल से थोड़ा जल्दी आए हैं, तो हमें ये पूरी नदी मतलब भरी हुई मिली है। तो ये है पूरा व्यू, और यहाँ पे बोट और ये सब चल रही है, पंछी उड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये पूरी नदी आज भरी हुई है। अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। और अभी मम्मी और हैनी को ढूंढना है, पता नहीं वो कहाँ बैठे हैं। कॉल किया लेकिन कॉल उनको लग नहीं रहा है। ये है हमारी द्वारका की दूसरे दिन की गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आ चुके मछली को दाना डालने, तो अभी हम डाल देते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके मंदिर के आसपास, और आज भी यहाँ पे इतनी भीड़ है जितनी कल थी। ये भीड़ यहाँ तक ही सीमित रहती है, मंदिर के अंदर इतनी भीड़ नहीं होती है। तो अभी हम जाएंगे आज फिर से दर्शन करने, और दर्शन करके आएंगे। तो ये है द्वारकाधीश की ध्वजा। हम आ चुके हैं दर्शन करके, और जब हम आ रहे थे तब की ये भीड़ है। अब देखे यहाँ पे कितनी सारी भीड़ हो गई। अभी पूरा मार्केट आगे से भी भरा हुआ है। तो फाइनली ये लोग यहाँ पे हमको मिल चुके हैं। तो मंदिर से निकल के आ चुके हैं वापस मार्केट, और ये है पूरे दिन का व्यू। और जो कल हमने बोला था कि सुदामा सेतु, उसकी एंट्री यहाँ से है, ये मार्केट के सामने से, यहाँ से है मार्केट की एंट्री। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं मार्केट में। तो ये है मार्केट का दिन का व्यू। यह है द्वारकाधीश का मंदिर, और आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है, कल से भी रात से ज्यादा इसमें यहाँ पे दिन पे भीड़ है। तो चलो अभी मार्केट से होके, अभी हमने सुबह उठ के सीधा दर्शन के लिए आ गए थे, तो अभी हम जा रहे हैं, नाश्ता वास्ता चाय वाय कुछ पीएंगे, बाद में जाएंगे कहीं और। तो वंस मोर द्वारकाधीश के मंदिर का दूसरा एंगल से व्यू, मार्केट के एंगल से, लेकिन दिन का। तो अभी हम कल जहाँ से निकले थे वहीं मार्केट पहुँच चुके हैं। अभी हम आते हैं दूसरी ओर से और जाते हैं दूसरी ओर। ये आगे झिगला चल रहा है कालिया, देखो हर बार की हर फ्रेम की तरह इस फ्रेम में भी इसने बाल ही सीधे किए। फाइनली मार्केट का खाली हिस्सा आ चुका है। ये पीछे हमारे निशान सचिन और दिव्यराज आ रहे हैं, ये हमारा जिगा। तो मंदिर पे दर्शन करके हम आ गए हैं रिटर्न। हमने नाश्ता पास्ता कर लिया, और अब हमने कपड़े कपड़े चेंज कर लिए, अब हम जा रहे हैं नहाने गोमती के घाट में। तो मैं जा रहा हूँ गोमती के घाट में नहाने। आ चुके हैं बाहर नदी में स्नान कर आ गए बाहर, और अभी थोड़ा फ्री टाइम है, तो फिर से हम मछलियों को दाना डालने बैठे। अभी मैं जा रहा हूँ मछलियों को दाना डालने। और वापिस हम वहाँ से निकल के मंदिर के रास्ते की ओर आ चुके हैं। ये यहाँ कुछ करतब दिखा रहा है। जो हमने देखा था सुबह ये पूरा भरा हुआ था, अभी ये पूरा खाली हो चुका है। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो
वापिस से हम घूम घूम के आ गए फिर वही मार्केट में, और फिर से जा रहे हैं वही मार्केट से। यहाँ की कोई लच्छी है जो इन सबको बहुत पसंद आ गए तो वो पीने जा रहे हैं सब, तो घूम के हम फिर से जा रहे हैं मार्केट की ओर। तो फाइनली ये लोग पी रहे हैं लच्छी, तो हम भी ट्राइंग करेंगे यहाँ की लच्छी। जीगा देखो, जीगा कैसे खा रहा है लच्छी। जीगा शांति से, जीगा दूसरी मिल जाएगी। तो ये है अभी दोपहर के मार्केट का व्यू, पूरा खाली है, दोपहर में यहाँ सब बंद हो जाता है। तो ये मैं और हैनी यहाँ पे, हैनी क्या करना है तेरे को, दौड़ना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, इधर देख। तो हम आ चुके हैं वापिस, अपनी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, और ये वहाँ है जहाँ पे हम ठहरे, अभी हम आ चुके हैं रिटर्न। ये है अभी रूम की हालत। चलो सब सीधा करते, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। तो हेलो, बज गए हैं 4 और हम सब फिर से रेडी होकर निकल रहे हैं। द्वारका में एक यहाँ ही एक शंकर भगवान का मंदिर है नज़दीक में, तो हम वहाँ जा रहे हैं, इसलिए हमने ये टेम्पा किया है, उसमें बैठ के हम सब जाने वाले हैं। तो ये लोग वहाँ बैठ गए, चलो मैं भी बैठ जाता हूँ कहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे बैठे हैं, ये माओ, ये जानवी है नहीं है, हाय कर दे। ये हमारा पीछे जीगा, जीगा ये बापू, और ये दिशांत। तो ये हम वहां से उतरे, वहां से आए यहाँ पे, और ये है मंदिर का स्थान पूरे दरिया किनारे के बीच में। दूर दूर तक कुछ नहीं है शिवाय इस मंदिर के। तो हम आ चुके इधर, और यहाँ पे जो अब ये भाग खाली देख रहे हो, ये अक्सर भरा हुआ होता है, और ये जो सीढ़ी है वहाँ से उस सीढ़ी तक एक दूरी होती है जिसे हमें पकड़ के चलना होता है। लेकिन क्या है कि अभी दरिया का पानी यहाँ पे नहीं है, समुद्र का पानी, तो इसलिए ये खाली है पूरा पोर्शन, वरना हम यहाँ से भीग के हम यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो और आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा कि ये मंदिर का किनारा है, लेकिन उसके आजू बाजू पूरा समुद्र का पानी है, पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर पत्थर और उसकी भी सुविधा है। तो ये मंदिर की सीढ़ चढ़ रहे हैं, मंदिर को विजिट के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही पुराना ये मंदिर है। तो ये रहा पीछे मंदिर, हमने यहाँ के दर्शन कर लिए, अब यहाँ साइड में बैठने की जगह, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, बाद में आज शाम को 8 बजे हमारी बस है रिटर्न जाने की। तो फिर एक बार और अभी द्वारकाधीश के दर्शन करने हैं, तो यहाँ से होके सीधा पूरी जाएंगे, बाद में खाना पीना भी करना है, बैग पैकिंग भी करना है, तो करते हैं। तो भाई ये है मंदिर के साइड का व्यू, और यहाँ पे है दीवा डांडी। दीवा डांडी का एक अनोखा महत्व कि मतलब जो जहाज समुद्र में होते हैं उनको मतलब कई बार रास्ता भटक गए होते हैं, तो उनको इनके ऊपर जो लाइट लगती है उनसे पता चलता है कि यहाँ किनारा है, इसलिए यहाँ ये दीवा डांडी बनाई जाती है जो कई जगह होती है, तो इसका एक अलग ही महत्व है। तो हेलो, हम यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके निकले हैं आगे, और अभी यहाँ पे बाहर राइड्स बाइक्स है, तो राइड्स बाइक्स में बैठेंगे और थोड़ा और इंजॉय करेंगे। भाई देखो, ये घोड़े चढ़ने की उम्र में ऊंट पे चढ़ा है, वाह भाई वाह, क्या तेरी बात है। अभी इसका फोटो शूट चल रहा है, अभी ये इसकी फट रही है, अब फट रही है इसकी, ये फट रही है। हेलो आजा।
तो फाइनली उतर चुका है, तो फाइनली हम जा रहे हैं वापिस, और वापिस जाते वक्त भी हमने ये टेम्पा किया है। तो हेलो, फाइनली अब इस ट्रिप का, इस टूर का लास्ट बार हम पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश के मंदिर। अभी यहां से दर्शन करके हमको निकलना है सीधा, और ये है शाम का व्यू यहां का। अभी यहां से दर्शन करके हमको निकलना है सीधा। अभी यहां मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको मोबाइल और जूते बाहर जमा करवाने पड़ते हैं कहीं दुकान पे, तो हम यहाँ जमा करवा रहे हैं। यहाँ से सीधा जाएंगे दर्शन करके, तो मिलते हैं आपको दर्शन करके। तो हेलो, ये लास्ट फ्रेम है हमारी मंदिर के साथ, अभी हमने लास्ट बार दर्शन कर लिया है, और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो इस व्लॉग का ये लास्ट फ्रेम है मंदिर के साथ। तो फाइनली दर्शन करके आ चुके, हमने खाना बाना खाया, अब होटल से चेकआउट का टाइम है, हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। अभी 8 बजे की हमारी बस है, 8:15 की, और अभी बज चुके 8। यहाँ से जाने का रास्ता 10 मिनट का है, तो भी हम 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मेरा घर का नाम है अहमदाबाद सिटी, और आप देखते जाओगे कि अहमदाबाद सिटी क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले आओ, आप पहले बताओ, मिलते हैं। हेलो, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी बस पे। हम पहुंच चुके थे टाइम पे, हमारी बस थी 8:15 की, लेकिन बस भी लेट है और हम टाइम पे आ गए थे। अभी हो रहे हैं 8:18, तो फाइनली अब हमारी बस चल पड़ी है। हमने अपना पूरा सामान जो था वो लोड कर लिया है बस में, सब कुछ अच्छे से रख के हमको ये हमारा केबिन मिल गया है। तो हमने ये विंडो सीट ली है। तो फाइनली बाय बाय द्वारका, बाय बाय द्वारका। तो अभी हम कल सुबह मिलेंगे सीधे अहमदाबाद में। तो वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए 7:21, और फाइनली हम अहमदाबाद पहुंच गए। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और घर से जाएंगे अपना रूटिंग ऑफिस। तो हेलो, फाइनली बज चुके 8, और हम आ चुके हैं घर। हम घर आ गए हैं, ये देखो, ये मेरे ब्रेक के घर है। हमें ना नाश्ता करके स्कूल जा रहे हैं, मेरे घर में चलो, फाइनली आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय।